2014 में जब हमारी सरकार बनी थी और हमारा सेवाकाल शुरू हुआ था, उस वक्त इस समिट की थीम थी रीशेपिंग इंडिया। यानी एसटी ग्रुप ये मानकर चल रहा था कि आने वाले समय में भारत में बहुत कुछ बदलेगा, रीशेप होगा। 2019 में जब हमारी सरकार पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ वापस आई, तो उस समय आपने थीम रखी कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। आपने एटी समिट के माध्यम से दुनिया को संदेश दिया कि भारत एक बेहतर भविष्य के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब 2023 में जब देश में अगले वर्ष होने वाले चुनावों की चर्चा हो रही है, तो आपकी थीम है बियॉन्ड बैरियर्स। और मैं जनता के बीच रहना जीने वाला इंसान हूँ, पॉलिटिकल आदमी हूँ तो, और जनप्रतिनिधि हो, तो मुझे उसमें कुछ एक संदेश दिखता है। आमतौर पर ओपिनियन पोल चुनावों के कुछ हफ्ते पहले आते हैं और बताते हैं क्या होने वाला है, लेकिन आपने साफ संकेत दे दिया है कि देश की जनता इस बार सारे बैरियर्स तोड़कर हमारा समर्थन करने वाली है। इलेक्शन रिजल्ट्स विल बी बियॉन्ड बैरियर्स। साथियों, रीशेपिंग इंडिया से बियॉन्ड बैरियर्स तक के भारत के इस सफर ने आने वाले उज्जवल भविष्य की नींव गढ़ दी है। इसी नींव पर विकसित भारत का निर्माण होगा, भव्य और समृद्ध भारत का निर्माण होगा। लंबे समय तक भारत और हम भारतीयों को अनेक बैरियर्स का सामना करना पड़ा। हम पर हुए हमलों और गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को बहुत सारे बंधनों में बांध दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो एक ज्वार उठा, जो जज्बा पैदा हुआ, सामूहिकता की जो भावना पैदा हुई, उसने ऐसे कई बंधनों को तोड़ दिया था। आजादी के बाद उम्मीद थी कि यही मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। अनेक तरह के बंधनों में बंधा हुआ हमारा देश उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाया जितना उसका सामर्थ्य था। एक बहुत बड़ा बैरियर मानसिकता का था, मेंटल बैरियर्स। कुछ बैरियर्स रियल थे, असल में थे, कुछ बैरियर्स परसीव्ड थे, बनाए गए थे, और कुछ बैरियर्स एग्जेजरेटेड, बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने हवे की तरह प्रस्तुत कर दिए गए थे। 2014 के बाद से ही भारत लगातार इन बंधनों को तोड़ने के लिए मेहनत कर रहा है। मुझे संतोष है कि हमने अनेक बाधाएं पार की हैं और अब हम बियॉन्ड बैरियर्स की बात कर रहे हैं। आज भारत
हर बैरियर तोड़ते हुए चांद पर वहां पहुंचा है जहां कोई नहीं पहुंचा है। आज भारत हर चुनौती को पार करते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर वन बना है। आज भारत हर बाधा से निकलकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर ले रहा है। आज भारत स्टार्टअप्स की दुनिया में टॉप तीन में है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड पूल अपने आप बना रहा है। आज भारत G20 जैसे आयोजनों में अपना परचम लहरा रहा है। आज भारत अपने को हर बंधन से मुक्त करके आगे बढ़ रहा है। और आपने सुना ही होगा, सितारों के आगे जहां और भी है। भारत इतने पर ही रुकने वाला नहीं है।